फ्रेंड्स, गृहलक्ष्मी स्कीम के बारे में एक नया अपडेट लेकर आपके सामने आया हूं। ऐसा कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ है आपके लिए। जी हां फ्रेंड्स, गृहलक्ष्मी का नया अपडेट एक गुड न्यूज़ के शक्ल में आपके सामने। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अदर वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वरना आप नए नए अपडेट्स मिस कर जाओगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि गृहलक्ष्मी स्कीम के 14th इंस्टॉलमेंट और 15th इंस्टॉलमेंट को लेकर एक नया अपडेट एक घंटा पहले मिला है मुझे। जी हाँ, अभी जो है, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेरे, और मैंने कहा था कि लक्ष्मी हेब्बार मैडम ने अनाउंस कर दिया है कि नवंबर फर्स्ट वीक में जो है 14th इंस्टॉलमेंट DBT कर दिया जाएगा और अमाउंट रिलीज के लिए तैयार किया जा रहा है। तो नया अपडेट ये है, गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड्स आपके लिए कि आज गृहलक्ष्मी स्कीम का 14th इंस्टॉलमेंट रिलीज होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा तो मैडम ने मीडिया के सामने अनाउंसमेंट नहीं किया है, मगर ट्वीट के ज़रिए से बताया है मैडम ने कि आज हम 14th इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करेंगे और DBT के लिए जो है 4-5 दिन लगेंगे। इसका मतलब है कि नवंबर 10 तारीख से 2-3 दिन बाद जो है अमाउंट आपके अकाउंट्स में आ सकता है। जी हाँ, गुड न्यूज़ है आपके लिए कि अगर आज रिलीज़ हुआ अमाउंट तो DBT के लिए 5 दिन लगते हैं। तो जिस तरह से मैंने अंदाज़ा लगाया था मेरे पिछले वीडियो में कि 10 से 20 तारीख के अंदर जो है आपको 14th इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, उसी तरह से होगा अगर आज अमाउंट रिलीज़ किया गया। शायद मैडम इसके बारे में कल अपडेट देंगी मीडिया के सामने। जब भी वो अपडेट देंगी तो मैं आपके सामने उस इन्फॉर्मेशन को लेकर आऊँगा। मगर मैडम ने ट्वीट के ज़रिए से कहा है कि आज रिलीज़ होने वाला है 14th इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। तो जिस तरह से मैंने कहा कि DBT के लिए वक्त लगता है, तो नवंबर के महीने में जो है आपको मिल जाएगा 15 या 20 तारीख के अंदर। अब अगर आज रिलीज़ हुआ अमाउंट तो 10 तारीख तो तय है, 10, 11, 12 इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके अकाउंट्स में अमाउंट आ जाएगा। मगर कंडीशंस है, और कंडीशंस क्या क्या हैं मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताए हैं, आप जाकर देख लीजिए। DBT होने के लिए अमाउंट कंडीशंस क्या क्या हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जिस तरह से मैंने आधार अपडेट के बारे में कहा था, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मौजूद है। मैं फिर दोहराना नहीं चाहता, मगर गुड न्यूज़ तो यह है कि 14th इंस्टॉलमेंट आपको बहुत जल्द मिल सकता है अगर अमाउंट आज रिलीज हुआ है तो, मैडम ने ट्वीट के जरिए से बताया है। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि 15th इंस्टॉलमेंट, जी हाँ 15वां इंस्टॉलमेंट जो कि अक्टूबर मंथ का अमाउंट, 15th इंस्टॉलमेंट भी अगर हो सका, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फिर से अमाउंट रिलीज करने के लिए हामी भर दी, तो उस अमाउंट को भी हम नवंबर एंड तक आपके अकाउंट्स में DBT कर देंगे। इस तरह से अपडेट आया है मैडम की तरफ से। जी हाँ, अभी तो 2500 करोड़ एक मंथ के 14 इंस्टॉलमेंट के रिलीज हो रहे हैं, तो मैडम ने कहा हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करेंगे, अगर वो इसी महीने में फिर 2500 करोड़ रुपए रिलीज करते हैं तो हम फौरन नवंबर एंड तक जो है 15th इंस्टॉलमेंट, यानी जो अक्टूबर मंथ का अमाउंट है, उस अमाउंट को भी जो हम DBT कर देंगे अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हामी भरी। मगर फ्रेश न्यूज़ तो यह है फ्रेंड्स, अगर ऐसा हुआ तो एक महीने में आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएंगे, जिस तरह से पिछले बार हुआ था। पिछले बार क्या हुआ था, जुलाई और अगस्त का अमाउंट जिस तरह से आपको आया था, 8 दिन के गैप में जो 2 मरतबा अमाउंट DBT हुआ था 2000 रुपये, मेरे ख्याल से इस महीने में भी वही हो सकता है। तो एक तरीके से सोने पर सुहागा होगा अगर 10 तारीख के बाद जो है 14th इंस्टॉलमेंट आएगा और नवंबर लास्ट वीक में जो है अगर आपको 15th इंस्टॉलमेंट आएगा। तो देखिए, मैंने हर बार मेरे वीडियो से बताया है आपको, जब तक ये सरकार रहेगी गारंटीज भी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बहुत बार कहा है, जब तक ये सरकार रहेगी 5 गारंटीज भी चलेगी और गृहलक्ष्मी अन्ना भाग्य योनिधि का अमाउंट आपको मिलता रहेगा। देर हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ देर हो सकती है, मगर अमाउंट तो रुकने वाला नहीं है जब तक यह सरकार इख्तदार में है। तो फ्रेंड्स,
खुशी की बात यह है, आप सबके लिए गुड न्यूज़ यह है कि मैडम ने ट्वीट के जरिए बताया है कि बहुत जल्द जो है 14 इंस्टॉलमेंट हम डीबीटी कर देंगे, और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हामी भर दी तो इस महीना एंड नवंबर एंड को हम 15 इंस्टॉलमेंट भी डीबीटी कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस खुशखबरी को सिर्फ अकेले मत देखें, आपके दोस्तों को, कलीग्स को, फैमिली वालों को शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके देखें, वरना आप नए नए अपडेट्स मिस कर जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज़।